वायरस जिस तरह से पूरी दुनिया पर तबाही मचा रहा है, किसी से भी छिपा नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था की ऐसी कम तैसी हो चुकी है, हमारे भारत में भी इसके 60 मामले सामने आ चुके हैं। कोई भी लोग किसी भी समारोह में जाने से डर रहा है। इतना ही नहीं, हमारे बॉलीवुड पर भी इसका काफी असर पड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है शिखा और आज मैं लेकर आई हूँ चटपटी खबर। उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी और कबीर खान की 83 फिल्म आगे बढ़ सकती है। लगता है इनको भी कोरोना से डर लगने लगा है, तभी तो अपनी फिल्मों की रिलीज डेट आगे खिसकाए जा रहे हैं। चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, इन दोनों फिल्मों को रिलायंस एंटरटेनमेंट ने प्रेजेंट किया है, दोनों में काफी पैसा लगा भैया, तो रिस्क कौन लेगा? अगर मान लीजिए कोरोना के चक्कर में लोग फिल्म देखने नहीं गए तो क्या होगा? ये सब बातें प्रोड्यूसर को डरा रही हैं। वैसे सूर्यवंशी 24 मार्च को रिलीज हो रही है और वही 83 10 अप्रैल को रिलीज होगी। होली से पहले अपने टाइगर, अरे वो वाला टाइगर नहीं, मैं जैकी दादा का बच्चा टाइगर की बात कर रही हूँ। जी हाँ, वही वाला राती। हाँ, होली से पहले यानी कि 6 मार्च को अपने लौंडे की बागी 3 रिलीज हुई और कोरोना के ऊपर ऐसी टूटी कि बॉक्स ऑफिस भी आने में गिर पड़ा। तो ये सब कैसे हुआ, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, सुन लीजिए। फिल्म ने ओपनिंग वाले दिन यानी कि शुक्रवार को कमाए हैं 17.50 करोड़ रुपए, वही दूसरे दिन यानी कि शनिवार को कमाए हैं 16 करोड़ के आसपास, और बात करें संडे की तो संडे को कमाए हैं 20.50 करोड़ रुपए। इस हिसाब से 3 दिन में फिल्म ने कमाए हैं 53.83 करोड़ रुपए। बात करते हैं मंडे की, तो मंडे को फिल्म ने कमाए हैं 9 करोड़ के आसपास, और होली वाले दिन तो फिल्म में भी रंग भर गया और कमा ली गई फिल्म 14 करोड़ के आसपास। वेनसडे की बात करें तो वेनसडे को कमाए हैं 8 करोड़ के आसपास, और इन सब पर टोटल करने के बाद 85 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।